हेलो, स्टार्ट किया जाए। हेलो, हाँ चलो देख। यहां से हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। क्या बोलता है? प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो क्या प्रॉपर्टीज है भाई? सबसे पहले बोलता है कलर, ठीक है। क्या शो करता है ये कलर? डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कलर शो करता है। तो पहला कहता है कि कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहला क्या है? कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कहता है कि कलर जो होता है मेनली ये शो करता है डीडी ट्रांजिशन के कारण। एक एक बात आ रहा है, प्रॉपर्टीज आ रहा है। क्या यहाँ पे बोला? डीडी ट्रांजिशन किसके कारण ये शो करता है? डीडी ट्रांजिशन के कारण। अब ये डीडी ट्रांजिशन क्या होता है? जैसे जैसे Ti+3Al, Ti का यदि हम बात करें तो क्या होता है? Z=22 Ti, ठीक है। समझ में आ रहा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये आ जाएगा। लेकिन Ti+3 की बात करें, +3 में क्या हो जाएगा? ये दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर। बचा कितना का? 3d1। तो Ti+3 में कितना बच रहा है? 3d1। अब 3d1 में क्या हो जाएगा? d ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है। d ऑर्बिटल में ये एक ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब ये क्या होगा? स्प्लिट होगा, ठीक है। लिगेंड आएगा तो ये क्या होगा? स्प्लिट होगा। ऑक्टाहेड्रल डेल ओ, याद आ रहा? स्प्लिटिंग CF SC जो हम लोग पढ़े थे। अब ये स्प्लिट होकर के ऊपर और नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि यदि ये इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी पास होने पे ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? यदि ये कहाँ चला जाए? जंप करके इसमें, ठीक है। जंप करके कहाँ चला जाए? इसमें। और कुछ समय के बाद यदि ये वापस आएगा, ठीक है, कुछ समय बाद यदि ये वापस आ जाता आ जाएगा, और उसके बाद होगा क्या कि ये लो एनर्जी था नीचे में और ऊपर में क्या था? हाई एनर्जी। लो से किस में गया? हाई में। तो यहाँ पे एनर्जी क्या लगा था? एनर्जी देना पड़ा था, ठीक है। और उसके बाद जब ये वापस आएगा ना, तो वही एनर्जी को क्या करेगा? ये बाहर निकालेगा, ठीक है। और इसी चीज को हम लोग कहते हैं डीडी ट्रांजिशन। और जो एनर्जी बाहर निकलेगा, उसी का वेवलेंथ का जो कम्प्लीमेंट्री कलर रहेगा, वही जो है वो आपका शो करता है। कभी कभी वही शो कर देता है कलर को, या फिर कभी कभी उसका कम्प्लीमेंट्री कलर भी शो करता है। तो ये जो कलर शो करने का रीजन है वो क्या है? आपका डीडी ट्रांजिशन। और यहाँ पे जो कलर शो होता है इस वाले कंपाउंड को लेकर के, वो कैसा होता है? आपका वायलेट कलर। कैसा शो करेगा? आपका वायलेट। तो इसीलिए रीजन इसका क्या है कि Ti H2O6 जो है +3, वो क्या शो करता है? वायलेट। तो उसका रीजन क्या है? रीजन है डीडी ट्रांजिशन, ठीक है। क्या रहेगा आपका रीजन? डीडी ट्रांजिशन। ये स्प्लिट करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, नीचे से ऊपर गया हायर वाले में। अब जब वापस आएगा तो एनर्जी क्या करेगा? रेडिएट करेगा, बाहर निकलेगा, इजेक्ट करेगा, और वो वाला एनर्जी जो है जिस वेवलेंथ से मैच करेगा उसका कलर जो है वो शो करता है। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे चीजों को समझने के लिए क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। क्वेश्चन के थ्रू यदि हम बात करें तो बोलता है क्या कि ये Ti H2O6+3, ठीक है, वायलेट होता है इन कलर। कैसा कलर होता है वायलेट? अभी हम लोग खुद पढ़े। लेकिन यदि हम लोग हीट करेंगे तो ये क्या हो जाता है? कलरलेस। ऐसा क्यों? तो जब जैसे ही हम लोग हीट करते हैं ना, ये वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देता है, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल ही इसमें नहीं रहेगा, तो लिगेंड ही नहीं रहेगा। और लिगेंड नहीं रहेगा तो जो स्प्लिट हुआ था, ठीक है, जो स्प्लिट हुआ था तीन नीचे, ठीक है, तीन नीचे और दो ऊपर, वो स्प्लिटिंग ही नहीं होगा। और स्प्लिटिंग नहीं होगा, ठीक है, नो स्प्लिटिंग। और स्प्लिटिंग नहीं होगा तो डीडी ट्रांजिशन होने का कोई चांस ही नहीं बनता है,
इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा कहाँ से, स्प्लिट होकर के हुआ रहेगा तब ना ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा ही नहीं, तो इसका मतलब जो है वो कलरलेस रहेगा, ठीक है, कलरलेस होगा। ये तो डीडी ट्रांजिशन के कारण ना, डीडी ट्रांजिशन के कारण ना वो क्या होता है, कलर्ड होता है। समझ में आया किस तरीके से पूछा। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम समझ सकते हैं, क्या बोलता है, एनहाइड्रस CuSO4 जो होता है वो कलरलेस होता है, ठीक है, एनहाइड्रस CuSO4 क्या होता है, कलरलेस, बट यहाँ पे हाइड्रेटेड जो CuSO4 रहता है वो कैसा होता है, ब्लू कलर का, हाइड्रेटेड जो रहेगा वो कैसा रहेगा, ब्लू कलर। तो यहाँ पे ये क्या, एनहाइड्रेट, ठीक है, CuSO4 एनहाइड्रेट, वाटर डाले ये बन गया, और नाम क्या, ब्लू विट्रोल जानते ही, तो कैसे सेम चीज इसमें क्या आ गया, वाटर, और वाटर जो आया अंदर की ओर आया, ठीक है, SO4+H2O, ये तो क्या है, बाहर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, किसका फॉर्मेशन हुआ, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन फॉर्मेशन हुआ, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जैसे ही हुआ तो उसमें क्या हो सकता है आपका, डीडी ट्रांजिशन शो करेगा, और डीडी ट्रांजिशन शो करेगा तो क्या शो करेगा, ये कलर को शो करता है, इसीलिए इसका कलर क्या होता है, ब्लू। म्यूट कर दो जी, लगता है अनम्यूट हो गया है, म्यूट कर दो, ठीक है। उसके बाद ये NCERT में भी ये वाला चीज मेंशन है, ठीक है, NCERT में ये वाला पॉइंट की रेड कलर ऑफ रूबी, रूबी जो होता है, जो आपका ये जेम स्टोन है, ठीक है, रेड कलर का होता है, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, Al2O3, वो प्रेजेंस ऑफ, और वो रेड होने का उसका रीजन क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम +3 आयन के कारण ही वो क्या होता है, रेड होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ पॉइंट यहाँ नोट कर लेंगे, क्या है पॉइंट, तो कहता है कि नॉन डीडी ट्रांजिशन इज पॉसिबल इन D0 और D10, D0 और D10 में कभी भी डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा खाली और ये पूरा भरा हुआ है, तो भरा हुआ है तो होने का चांसेस ही नहीं, और ये पूरा खाली है तो भी नहीं होगा, और इसीलिए ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, कलरलेस, ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं, कलरलेस। जैसे कि ये वाला देखिए Ni, ये इनका होल फोर माइनस टू, Ni+2 है, 3D में है, तो ये क्या है, कलरलेस, ठीक है, कलरलेस बिकॉज एब्जॉर्ब एनर्जी इन UV रेडिएशन। कहने का मतलब है, बात को समझ रहा है, कि 3D8 होने के बावजूद ये क्या हो गया, कलरलेस, और कलरलेस हम क्या बोले थे, D0 और D10, लेकिन ये 3D होने के बावजूद ये क्या हो गया, कलरलेस। तो उसका रीजन बोला, ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया ना, वो किस रीजन का किया, यूवी रीजन का, अल्ट्रा वायलेट का, अल्ट्रा वायलेट अपने को नजर ही नहीं आता है, विजिबल रेंज में ही नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि यदि वो कलरलेस है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो यूवी रीजन में हो, या फिर अदर देन विजिबल रीजन में वो एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन देखें, क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कैन ऑब्जर्व विजिबल लाइट, ठीक है, एब्जॉर्ब विजिबल हो जाए, होगा जी, विजिबल लाइट, ठीक है, विजिबल, विजिबल लाइट। तो अब देखो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है, तो इसका डी कितना है, D0, कॉन्फिग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, SC+3, और SC+3 का मतलब क्या हो जाएगा, D0, Ti+4 का मतलब D0, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग आएंगे Zn का, तो Zn का क्या हो जाएगा, D10, और इसका क्या हो जाएगा, D3, तो D10 D0 का क्या हो जाएगा, सब कलरलेस, और ये D3 आ रहा है, इसका मतलब यही क्या होगा, कलर्ड कंपाउंड होगा। अब क्या बोले हम कि कंप्लीमेंट्री कलर ऑफ ऑब्जर्व्ड कलर इज ऑब्जर्व्ड, यानी कि जो कलर ऑब्जर्व किया जाएगा वो कंप्लीमेंट्री कलर होगा, ठीक है, कंप्लीमेंट्री कलर होता है, जैसे कि वेवलेंथ ऑब्जर्व किया तुम्हारा रेड, ठीक है, वेवलेंथ ऑब्जर्व किया किसका, रेड का, लेकिन वो नजर तुमको कौन सा आएगा, तो जो रेड का कंप्लीमेंट्री है, यानी कि रेड, ये देखो आर है रेड, रेड का कॉम्प्लीमेंट्री इसका सीधा ब्लू ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन तुमको कलर नजर आएगा, कैसा कलर नजर आएगा, ब्लूइश ग्रीन कलर नजर आएगा। तो ये इसके माध्यम से याद रखा जा सकता है, कैसे, विबग्योर होता है ना, VIBGYOR, विबग्योर, अब इसी से रिलेटेड हम लोग ये देखेंगे, देखो VIB, ठीक है, जी, ठीक है, जी, क्लियर है। अब जी के लिए हम क्या कर रहे हैं, जी के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ BG, बी और जी लिखो, फिर जी लिखो, फिर वाई जी लिखो, फिर वाई ओ आर, ऐसे करके चलना है। तो केवल यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैसे हो रहा है, बाकी विबग्योर ही आपका जाएगा, ठीक, और इसका कंप्लीमेंट्री कलर ये हो जाएगा, और इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, और इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, और इसका ये हो जाएगा,
मतलब ये ऑब्जर्व कर रहा है तो येलो नजर आएगा, रेड ऑब्जर्व कर रहा है तो क्या ब्लू स्क्रीन आपको नजर आएगा। ठीक है, ये तो हो गया कलर का। अब कैसे है विब ग्योर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है विब ग्योर जा रहे हैं। ठीक, तो आपको पता होगा कि डेल्टा सॉरी और वॉलेट से इंडिगो की तरफ जा रहे हैं तो वेवलेंथ क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए आप देखेंगे रेलवे ट्रैक वगैरह पे भी रेड लाइट का इस्तेमाल होता है, डेंजर के लिए रेड कलर का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे फॉर्मूला, अच्छा जितना ज्यादा लेमडा होगा उतना ही क्या होगा एनर्जी कम, ठीक है उतना ही क्या होगा एनर्जी कम, जितना ज्यादा लेमडा एनर्जी उतना कम, क्योंकि फॉर्मूला क्या है ए इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन लेमडा। कहाँ पढ़े हैं एटोमिक स्ट्रक्चर में, पढ़े हैं ये वाला चीज हम लोग, ठीक है एटोमिक स्ट्रक्चर में। तो अब लेमडा के क्या है ये इनवर्सली आ जाता है, तो यानी कि जितना ज्यादा वेबलेंथ होगा उतना ही एनर्जी इसका कम होगा, ठीक है। और एनर्जी कहाँ से आ गया, एनर्जी वही सी एफ एस सी डिजिटल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कह सकते हैं, जितना ज्यादा स्प्लिट करेगा। अच्छा कैसे, ये किस पे डिपेंड करेगा भाई, चार्ज पे डिपेंड करता है, आयन्स पे डिपेंड करता है, लिगेंड पे डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा सी एफ एस सी होगा। जितना ज्यादा सी एफ एस सी होगा या जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतना ही क्या होगा कम वेवलेंथ होगा, यानी जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ पे कहता है जैसे ये दिया हुआ है इस एग्जांपल और बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्व मिनिमम लेमडा। मिनिमम लेमडा का मतलब क्या हो गया मैक्सिमम एनर्जी, और मैक्सिमम एनर्जी का मतलब हो गया मैक्सिमम डेल्टा ओ, ठीक है मैक्सिमम। और इस ये कब होगा जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तब। तो ये ऑक्टाहेड्रल है तो ऑक्टाहेड्रल तो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है, एनओ टू, देख लो काम खत्म। ये डब्ल्यू एफ एल है, ये भी डब्ल्यू एफ एल है, ठीक है समझ में आ रहा ये वाला, कान नाक और हाथ, कान नाक और हाथ हेलोजन। तो ये आता है स्ट्रॉन्ग फील्ड में और ये आता है आपका डब्ल्यू एफ एल में, तो ये भी डब्ल्यू एफ एल में होगा लेकिन सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा एनओ टू, उतना ही ज्यादा उसका सी एफ एस सी होगा और उतना मिनिमम लेमडा होगा। लेमडा क्या होगा मिनिमम, आपको कई सारा इसमें ये भी दे सकता है डेटा भी, लेकिन डेटा से हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। उसके बाद कलर ट्रांसफर की बात करेंगे, कलर ट्रांसफर तो जैसे चेंज ट्रांसफर सॉरी चार्ज ट्रांसफर भी एक रीजन होता है, चार्ज ट्रांसफर एक रीजन, यहाँ पे क्या हम बता दिए डीडी ट्रांसफर डीडी ट्रांजिशन, और एक होता है चार्ज ट्रांसफर। तो चार्ज ट्रांसफर कैसे होता है क्या बताता है जरा देखें, जैसा कि ये MnO2 MnO4, इसका ये हम पूरा लिख दिए प्लस 7, ठीक है इसका कलर पर्पल होता है, ऑरेंज येलो, ठीक है ये तीन का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ऑरेंज येलो और पर्पल। तो ये डी जीरो होता है, ये डी जीरो होता है, डी जीरो होता है, तो लेकिन सर डी जीरो हो रहा है तो ये कैसे हो जा रहा है, कलर कैसे शो कर रहा है ये डी जीरो में। एक्चुअली ये रीजन है चार्ज ट्रांसफर का, क्योंकि सबके पास है ऑक्सीजन, तो यहाँ ऑक्सीजन जैसे ऑक्सीजन जो है वो माइनस क्या शो करता है माइनस टू, ठीक है। अब इस पर थोड़ा सा दे दिए एच न्यू, क्या दे दिए एच न्यू, लाइट गया इस पर, तो अपने फटाक से ये किसको ट्रांसफर कर दिया इसको, एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा तो एम एन किस में आ जाएगा एम एन प्लस सिक्स में, ठीक है और ऑक्सीजन किस में आ जाएगा ओ माइनस में। तो अब इसके कारण जो है ये कलर शो करने लगा, तो दैट कलर इज नॉट फॉर नॉट बिकॉज ऑफ डीडी ट्रांजिशन, दैट कलर इज ड्यू टू यस चार्ज ट्रांसफर, ये चार्ज ट्रांसफर के कारण हो रहा है, दैट इज कॉल्ड चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर के कारण हो रहा है, ठीक है। अब यदि हम बात करें Fe2O का 5 NO और SO4 ऐसा, ठीक है तो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो NO है, NO3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, बताए हैं 15 इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, और NO+2 इलेक्ट्रॉन होता है, 14 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। NO+ होना क्या चाहिए NO को स्टेबल, लेकिन स्टेबल कौन होता है NO+, NO+ इज मोर स्टेबल देन NO। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन्स इसके हैं, ठीक है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में, ठीक है NO के जो एक इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है जो 3 इलेक्ट्रॉन वाला है उसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसमें एंटी बॉन्डिंग में, और एंटी बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, यानी एंटी बॉन्डिंग में अनस्टेबिलिटी रहती है, बॉन्डिंग में क्या रहती है स्टेबिलिटी, बॉन्ड बन रहा है स्टेबल बन रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड NO इज लेस स्टेबल देन NO+, ये ज्यादा स्टेबल आपका हो जाता है। सिंपल है, NO क्या था एच न्यू डालें, ठीक है तो NO से क्या निकल गया इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन Fe के पास चला जाएगा, Fe क्या बन जाएगा Fe+, और ये क्या बन जाएगा NO। अब एक पार्ट है यहाँ पोलराइजेशन, साइज ऑफ एनायन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होगा, सिंपल सी बात है कि जितना ज्यादा साइज एनायन का साइज बड़ा होगा उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होगा, और उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा डिस्टॉर्ट करेगा, डिस्टॉर्शन होगा, इधर उधर
पहले का। ठीक है, तो अब देखेंगे कलर शो करने का ये भी एक रीजन है। ठीक है, पोलराइजेशन। अब जैसे कि ये यदि हम बात करें एजीएफ, तो एजीएफ क्या होता है, कलरलेस, लेकिन एजीआई क्या होता है, येलो। तो अब रीजन क्या हो गया, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एफ है जो कि छोटा है, लेकिन यहाँ पे आई है, आई माइनस, यहाँ पे एफ माइनस था, और ये काफी बड़ा है, ये काफी बड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ज्यादा होगा। अब पोलराइजेशन ज्यादा होगा, चार्ज का डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा, चार्ज इधर उधर फैलेगा, भागेगा, तो इसके कारण ये कलर शो करता है। पीबीएफ2 क्या होता है, कलरलेस, लेकिन पीबीआई2 रेड। एचजीएफ2 क्या होता है, कलरलेस, लेकिन एचजीआई2 क्या होता है, रेड। एसएनएफ4 क्या होता है, कलरलेस, लेकिन एसएनआई2 क्या होता है, रेड। तो ये सारा कलर, अब यहाँ पे जो कलर शो कर रहा है वो सबका सब क्यों हो रहा है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है, पोलराइजेशन। ठीक है, अब एग्जाम ये भी पूछ सकता है इस तरीके से कि आयोडाइड्स आर कलर्ड। ठीक है, ऑल आयोडाइड्स आर कलर्ड, तो सारे आयोडाइड कलर्ड होते हैं क्या, यहाँ जो नजर आ रहे हैं, ये एग्जाम्पल, ये जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। एनएआई जो होता है वो क्या होता है, कलरलेस। एनएआई क्या होता है, कलरलेस। अब एक और रीजन है चार्ज, मतलब कि कलर शो करने का, कलर शो करने का एक और रीजन है। यहाँ बोलता है कि ये F2, ठीक है, कैसा कलर का होता है, लाइट येलो। Cl2 ग्रीनिश येलो, Br2 रेडिश ब्राउन, I2 वाइट। तो ये सारे जो हैं जो कलर शो कर रहे हैं वो किस रीजन से शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे HOMO क्या है, ये हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, क्या बोले, हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल, और ये क्या है, लोअर अनऑक्यूपाइड, यू है अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये सारे किस में आते हैं, पी ब्लॉक में, तो ध्यान में देखना इसमें डी है ही नहीं, तो डी डी ट्रांजिशन, डी डी कहाँ से कुछ होगा, तो ये सब किस में आते हैं, डी में, डी ब्लॉक, सॉरी पी ब्लॉक के एलिमेंट है, किसमें है, पी ब्लॉक के। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या है, होता क्या है कि पी ब्लॉक का एलिमेंट्स HOMO, HOMO का मतलब हाईली ऑक्यूपाइड, जो ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है वो। ठीक है, डी में क्या हुआ था, स्प्लिट हुआ था, स्प्लिट नीचे से ऊपर गया था, ऊपर से नीचे आया था, तो क्या हुआ था, कलर शो किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ स्प्लिट नहीं, यहाँ ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड की बात हो रही है। ऑक्यूपाइड वाला है उसमें क्या डाले, एच न्यू डालेंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप मार जाएगा, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल में, जैसे ही चेंज आएगा, ठीक है, वैसे ही फिर से क्या शो करेगा, कलर शो करता है। तो ये F2, Cl2, Br2 और I2 के जो कलर शो करने का रीजन है वो मात्र एक ही रीजन है, HOMO से LUMO में इलेक्ट्रॉन्स का जाना। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम HOMO टू LUMO, ये इसका रीजन। तो आज हम यहीं पे इसको ड्रॉप करेंगे। ठीक है, कल जो हम लोग है वो फिर से कंटिन्यू, कल बस अपना लास्ट लेक्चर होगा, थोड़ा सा जो बचा हुआ है, ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो, और उसके बाद, ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर हो गया, फैक्टर्स अफेक्टिंग जो हो गया वो सब है, थोड़ा सा वो बता देंगे, या फिर थोड़ा सा सिनर्जिक बॉन्डिंग भी है ना, थोड़ा सा बता ही देते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग या फिर कल ही कर लेंगे। ठीक है, कल जो है कंटिन्यू मस्त बैठ करके ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, कल पूरा का पूरा जो है ना, कल थोड़ा सा हो सकता है समय भी लग सकता है, लेकिन कल इसको खत्म करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट को थोड़ा सा और आज पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्या बोलता है यहाँ पे अपने को, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है ना, वो दो तरीके का हम लोग को पढ़ना है, एक तो जो है वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर, और दूसरा डायमैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक किसको कहते हैं, जिस जो कंटेन करेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो पैरामैग्नेटिक होगा, और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं करता है कंटेन, उसको क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक। जो पेयर्ड होता है दैट इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक, पेयर्ड। ठीक है, पेयर्ड जो होगा वो डायमैग्नेटिक। अब मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक हो जाता है आपका स्पिन, ठीक है, और एक होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल को निकालने का तरीका है L, ठीक है, L प्लस 1 बोर मैग्नेट्रॉन, और ये हम लोग सब एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हैं। और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का अंडर रूट
फोर एस एस प्लस वन बी एम, या फिर इसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू इज इक्वल टू एन एन प्लस टू बी एम, ठीक है। और एक स्पिन बराबर एन इंटू हाफ योर होता है, ठीक है। तो जनरली हम लोग किस फॉर्मूले को पूछते हैं, यही वाले को, और जिसमें एन क्या है, एन बराबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अनपेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एन यहाँ पे क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट यदि हम लोग बात करें, ठीक है, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, स्पिन और ऑर्बिटल को। टोटल मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आपका ही आएगा, लेकिन हमारे लिए कौन जरूरी है, बस ये हम यूज करते हैं। अब जैसे n इज इक्वल टू वन, अनपेयर्ड यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है, वन, तो वन यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि म्यू इज इक्वल टू वन, वन प्लस टू, एन का वैल्यू क्या रखो, वन, आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट थ्री, वैल्यू क्या होगा, 1.73, टू का रखो ये पूरा वैल्यू आएगा, थ्री का रखो ये पूरा वैल्यू आएगा, फोर का रखो ये पूरा वैल्यू आएगा। खास बात याद करने का तरीका, यदि वन आ रहा है और रूट थ्री वन आ रहा है, एन इज इक्वल टू वन है, पॉइंट की बात कर रहे हैं, पॉइंट की बात, तो ये देखेंगे वन पॉइंट ही समथिंग है, 1.7, यहाँ टू है तो ये टू पॉइंट समथिंग आ रहा है, थ्री है तो थ्री पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये आपको ऑप्शन में पकड़ने में आपको मदद करेगा, ये सस्ता मजबूत टिका हुआ अपना, ठीक है, ऑप्शन में पकड़ने में ये आपको मदद करेगा कि एन इज इक्वल टू कितना है, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि अच्छा, और एक बात यहाँ पे, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट यदि है किसी का, डी एन का हमको पता करना है, डी एन जो होता है वो बराबर होगा, ठीक है, डी एन क्या होगा, बराबर होगा इससे पता है, डी सॉरी टेन टेन माइनस एन से, सपोज दैट क्या बताना चाह रहे हैं हम, डी ऑर्बिटल के लिए है क्या, जैसे कि हम डी वन की बात करें, ठीक है, डी, तो इसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, डी एन, वही जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा वो, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वही एक अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड है तो डी जो हम बात करेंगे वो 10 माइनस एक, तो 10 माइनस एक क्या हो जाएगा आपका, 10 माइनस वन डी होगा, डी 10 माइनस वन क्या हो जाएगा आपका, 9, यानी 9 में भी एक ही अनपेयर्ड होगा, यानी इस फॉर्मूले पे जितना अनपेयर्ड यहाँ होगा उतना ही अनपेयर्ड यहाँ होगा। अब जैसे डी टू की बात करें तो डी टू में दो अनपेयर्ड हैं, तो D 10 माइनस टू, 10 माइनस ये 2 की बात कर रहे हैं, 10 माइनस 2 करेंगे तो जितना अनपेयर्ड यहाँ है उतना ही अनपेयर्ड, देखो यहाँ भी D 8 में आपको दो ही अनपेयर्ड, बात समझ में आया, तो यदि D 2 का उतना ही अनपेयर्ड होगा जितना D 8 का, जितना D 1 का उतना ही D 9 का, तो ऐसे भी आप थोड़ा सा शॉर्ट कट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या बोलता है, मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड्स अपॉन, मैग्नेटिक मोमेंट किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो कहता है कि मैग्नेटिक मोमेंट चार चीजों पर डिपेंड करता है, पहला तो जो है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर पे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है सेंट्रल मेटल एटम का उस पर, ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड्स पे डिपेंड करेगा और नेचर ऑफ लिगेंड्स पे डिपेंड करता है, ये चार चीजों पर जो है वो डिपेंड करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड्स और नेचर ऑफ लिगेंड पे डिपेंड करता है, ठीक। अब जैसे यदि हम इसका पूछे कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा भाई, तो इसका देखो अनपेयर्ड इलेक्ट ये एफी है अपना, यहाँ प्लस थ्री आ जा रहा है, ये एफी क्या आ रहा है, प्लस टू, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसका कितना आएगा, वन, ठीक है, कितना आएगा, जीरो, तो जिसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा। अब यदि हम प्लस टू वाला जो ज़्यादा पूछा जाता है थ्री डी में, थ्री डी में प्लस टू की बात करें, एस सी प्लस टू, टी आई प्लस टू, वी प्लस टू, सी आर प्लस टू, एम एन प्लस टू, ठीक है, Fe प्लस टू, Cu प्लस टू, Ni प्लस टू, Cu प्लस टू, Zn प्लस टू, सबका जो हम प्लस टू वाले का D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इसका जो रहेगा वो मैग्नेटिक मोमेंट होगा सबसे मैक्सिमम, क्योंकि ये क्या है, D 5, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मैक्सिमम N है इसके पास, और इसके पास क्या रहेगा, सबसे मिनिमम, क्योंकि 10, और सबका सब क्या रहेगा, पेयर्ड, क्या हो जाएगा, पेयर्ड, तो 0 N इसके पास निकलेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, सी यू एन एस थ्री होल फोर प्लस टू सी यू एन जेड एन, ये इसका एन बराबर कितना आएगा, वन, और इसका एन बराबर आ रहा है जीरो, जिसका एन बराबर ज़्यादा, अब चार्ज से तो आप निकाल सकते हैं, ये न्यूट्रल है तो प्लस टू हो जाएगा, ठीक है, प्लस टू हो जाएगा, और ये भी न्यूट्रल है, प्लस टू है तो ये भी प्लस टू हो जाएगा, तो जेड एन प्लस टू में क्या होता है, जीरो, ठीक है, कितना होता है, जीरो, समझ में आ रहा है ना, थ्री डी टेन, थ्री डी टेन और फोर एस जीरो, तो ये 4s2, तो दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, बचेगा 3d10, और 3d10 का
जीरो ठीक है, और इसका क्या रहेगा, कॉपर का टू निकल जाएगा, कितना रहेगा अनपेड इलेक्ट्रॉन एक बचेगा, तो इसीलिए मैग्नेटिक मोमेंट किसका ज्यादा हो जाएगा इसका। यदि हम इसमें बात करें, ये वाला एग्जांपल ले लें, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सेम रेडिएट होगा जीरो और जीरो और यहाँ पे टू, तो किसका ज्यादा हो जाएगा इसका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा। इसकी बात करें एन इज इक्वल टू जीरो, एन इज इक्वल टू टू, किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा हो जाएगा इसका। अभी ये क्वेश्चन है, ये होमवर्क करना है। अभी ये पीडीएफ हम ग्रुप पे भी डालेंगे अभी जस्ट, ये वाला विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक कौन है उसके बारे में आपको क्या करना है देखना है, इसमें से खोजना है। बताया हुआ तो है लेकिन नोटबुक में आप बना के दीजिए तो ज़्यादा अच्छा। अब यहाँ पे बोल देगा कि ऑल द ऑड नोट यहाँ पे कर लेना है कि सारे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक, ऑड वाले तो जाहिर सी बात है ना पैरा रहेंगे, पैरा का मतलब डायमैग्नेटिक का मतलब क्या पेयर्ड, तो जाहिर सी बात ऑड है तो क्या हो जाएंगे पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। जैसा कि यहाँ यदि हम बात करें ClO2, क्या ClO2 इसकी बात करें तो ये देखेंगे कितने, ये तीन इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं यहाँ पे, ये हो जाएंगे क्या क्या हो जाएंगे पैरा हो जाएंगे, O2 माइनस सुपर ऑक्साइड 17 इलेक्ट्रॉन पैरा, O2 16 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा पैरा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना है। ये कैसे हम लोग देखे थे MOT के थ्रू पता की चला था, ठीक है, ऐसे तो डाई लगता है लेकिन MOT के थ्रू ये पता चला था कि नहीं बाबा ये पैरा है। उसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन ये क्या है ओ माइनस डायमैग्नेटिक है, NO2 ये एक इलेक्ट्रॉन बचता है ये क्या है पैरा है। ठीक है, और ये NO ये भी क्या हो जाएगा पैरा, तीन इलेक्ट्रॉन। तो ये ध्यान में रखना है कि जो ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं लेकिन यहाँ O2 जो है वो इम्पोर्टेंट में आ जाता है। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से अब हम लोग कल देखें, ठीक है, ये जो इतना छोटा सा बचा हुआ ये हम लोग कल देखें। ठीक है, तो आज यहीं ख़त्म करते हैं। चलो जी, कुछ पूछना है, बोलो। चलो ठीक है, ये करते हैं, खत्म करते हैं।